गिरफ्तार करो, हमारी बेटियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार। पहलवानों के प्रदर्शन का एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन दिन बदल जाने के बाद भी, महीने बदल जाने के बाद भी सरकार का एटीट्यूड नहीं बदला, सरकार की अप्रोच नहीं बदली है। कोई भी एक व्यक्ति उनके उनसे उनकी बातें सुनने नहीं आया। इतने लंबे समय से इंटरनेशनल मेडलिस्ट, इतने ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होल्ड करने वाले लोग देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को राज़ी नहीं है। आज एक महीना बीत चुका है और उसी कारण आज ये मार्च निकाला जा रहा है, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब उनके समर्थन में है आज। और पहलवानों ने जो समर्थन मांगा था और जितने भी ट्वीट्स हुए थे, जो भी लोग समर्थन में आए थे, उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि तिरंगों की आंधी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है और इंडिया गेट की तरफ मूव कर रही है। जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक ये मार्च निकाला जाएगा, और यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग सामाजिक संगठनों से हैं, अलग अलग राजनीतिक संगठनों से हैं, और खुद चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी इस मार्च में शामिल हैं। कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, समझने की और इस सेंटिमेंट को जानने की, एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार सुनने को आखिर राजी क्यों नहीं है। मोदी राज में आप इस तरह की अभी कल्पना कर सकते हैं कि लोगों को न्याय मिल जाए और समय से मिल जाए या उनकी बात सुनी जाए? कोई कितना भी पीड़ित हो, मोदी राज में मोदी सरकार पर, मोदी पर कोई असर इस बात का पड़ता नहीं है। चाहे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रहे, उन्हें कोई सब चीज़ों से लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो केवल नारे देने वाले लोग हैं, काम करने वाले नहीं हैं। वो अपने लिए जो मन में आएगा, जब के लिए समय निकाल लेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन जब पब्लिक को न्याय देने वाली बात आएगी, पब्लिक के साथ कुछ भी बेहतर हो इसके लिए कभी आवाज़ उठेगी, या उसे इंसाफ ही मिल जाए इसके लिए आवाज़ उठेगी, मोदी सरकार या मोदी के पास समय नहीं है। सर, क्या ये आंदोलन आपको लग रहा है कि एक महीना जो है पूरा हो चुका है, क्या ये किसान आंदोलन वाले लेवल पर उतना व्यापक हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आज ही आप देख लें कि ये कैंडल मार्च आप देखिए, निगाह घुमाई आगे तक, कम से कम अगर मुझे दिख रहा सही में अगर हूँ तो आगे 150 से 200 मीटर तक, और पीछे आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक सारे में आप देखेंगे इतनी पब्लिक है। ये तो कैंडल मार्च में है इतनी पब्लिक, और आप इसमें देखेंगे कि हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हैं, देश के भिन्न भिन्न भागों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं, कर्नाटक से लोग आए हैं, इसमें राजस्थान से लोग हैं, इसमें आपके हरियाणा से लोग हैं, इसमें गुजरात से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हैं, हर जगह का आदमी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल है। तो इसकी व्यापकता को, इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन ये अभी रूप ले चुका है। और पुलिस का बंदोबस्त देखिए, चारों तरफ आप देखिए, मुझे लगता है कि जितने वो लोग हैं उतने ही कम से कम, शायद उससे ज़्यादा पुलिस वाले भी होंगे चारों तरफ, जो हाल है इनका, ये स्थिति है। ये सरकार जो है, मुझे नहीं पता कि प्रेशर में आएगी या ये सरकार कुकर प्रेशर में है, क्योंकि ये सरकार की जो हरकतें हैं वो कुकर में लग रही है। जब ये विस्फोट होगा ना, तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से 30 दिन हो गए, ये सारी जो एक पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, और ये पेशेंस की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। 30 दिन हमारी बेटियां जो है वो तपती गर्मी में बैठ रहे थे, पर ये सरकार की मंत्रियां सब गूंगे बहरे हैं और बिल्कुल महिलाओं पे उनकी ध्यान नहीं है। मैम, कांग्रेस के ऊपर लगातार इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं टू पॉलिटिसाइज एवरीथिंग। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, पॉलिटिक्स इज सर्विस टू द पीपल ऑफ द नेशन, पॉलिटिक्स इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट, पॉलिटिक्स मीन्स फाइटिंग फॉर ट्रूथ, पॉलिटिक्स मीन्स स्टैंडिंग विथ ट्रूथ, एंड इफ वी आर स्टैंडिंग विथ ट्रूथ, इफ वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, यस, एंड इफ दिस इज what they call politics, then this must be politics. महिला कांग्रेस का आगे क्या रोल होने वाला है इस आंदोलन को मजबूत करने में? We stand by the women, we will fight till every moment for the women and till the last
until these girls get justice, we will not sit down. I was there on day one. I'm there whenever they want us, and we will ensure that the girls get justice. Thank you so much.